अब आपको दिखाते हैं अमृतसर एक गदर कथा, क्योंकि जो तस्वीरें आज अमृतसर से आई हैं, दरअसल वारिस पंजाब दे ये एक खालिस्तानी समर्थक संगठन है और उसके मुखिया अमृतपाल सिंह ने आज समर्थकों को बुलाया, हथियारों के साथ बुलाया, थाने पर हमला कर दिया, पुलिस वालों को घायल कर दिया, पुलिस से लेकर पंजाब सरकार सब हिली हुई है और अमृतपाल सिंह खुलकर धमकी दे रहा है सरकार को, रोक सको तो रोक लो। ये तस्वीरें पंजाब में अमृतसर के अजनाला थाने पर चढ़ाई की है। खालिस्तानी समर्थक संगठन वारिस पंजाब दे से जुड़े हजारों लोग थाने पर धावा बोल गए। आप देख सकते हैं कि हाथों में बंदूकें हैं, तलवारें हैं, लाठियां हैं। ये लोग पुलिस पर ऐसे टूटते हैं कि गाड़ियों को तोड़ डालते हैं, पुलिस वालों का सिर फोड़ डालते हैं। पुलिस वाले किसी तरह अपनी जान बचाकर भागते हैं और ये सब होता है वारिस पंजाब के संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह के कहने पर। इन्होंने रखने की कोशिश की है, ये अहीं अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जेडी हडी ड्यूटी बंदी है वो ठीक है। ताडे किन्ने अमृत लाइन ऑर्डर के चल रहे हैं, ये लाइन ऑर्डर के बाहर हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि अमृतसर के इस गदर के पीछे है एक तूफान। वो तूफान क्या है आपको पूरा बताते हैं। 18 फरवरी को अमृतपाल सिंह के करीबी लवप्रीत सिंह तूफान की गिरफ्तारी होती है। अमृतपाल सिंह अपने साथी लवप्रीत सिंह तूफान की गिरफ्तारी का विरोध करता है और अमृतपाल सिंह के कहने पर उसके संगठन के लोग पुलिस पर प्रहार करते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर तूफान सिंह की गिरफ्तारी क्यों हुई और क्यों अमृतपाल सिंह ने उसकी गिरफ्तारी को अपने अहंकार पर ले लिया। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि गुरुवार यानी 23 फरवरी को पुलिस सतर्क थी। उसको अंदाजा हो जाता है कि अमृतपाल के लोग हंगामा कर सकते हैं, क्योंकि अमृतपाल ने पुलिस को खुली चुनौती दी थी, अगर उसके करीबी तूफान सिंह की रिहाई नहीं हुई तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। कुछ करन जोगे नहीं, मैं हुणे वार्निंग दिंना, अद्धे घंटे जां घंटे दे विच परचा ना कैंसल होया, जो कुछ होगा ओहदा जिम्मेवार प्रशासन। इत्थे बंदे वीडियो च बंदे नूं कुटदे ने, इत्थे रोज कतल हो जांदे ने, इत्थे रोज एनकाउंटर हो रहे ने। कोई बंदा किसी की FIR लिखण लगा 4-4 महीने ला दिंदा, साडे कोल रोज केस आउंदे ने। इन्होंने किसी बंदे दे बयानां दे आधार ते मेरे ते परचा कर दिता, इन्हां नूं पता नहीं लगता भी इहदा की मतलब है। ये सिर्फ सानूं चैक करदे ने हत्थ टोक के भी असीं की कर सकदे आ, सो ओही इन्हां नूं दिखाउणा जरूरी हो जांदा। पुलिस ने उग्र भीड़ को रोकने के लिए बैरिकेड लगाए, लेकिन अमृतपाल सिंह के लोग उन्हें तोड़कर थाने के अंदर घुस जाते हैं और इस अटैक में 6 पुलिसकर्मी घायल होते हैं। अब आपको बताते हैं कि तूफान पर अमृतपाल सिंह ने इतना गदर क्यों मचाया, तो सुनिए। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के खिलाफ कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी कर दी। अमृतपाल सिंह के लोगों ने आरोप लगाया कि टिप्पणी करने वाले एक शख्स को किडनैप करके बुरी तरह पीटा गया। इसके बाद अमृतसर के अजनाला थाने में अमृतपाल उसके साथ तूफान सिंह समेत 30 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। इसी केस में पुलिस ने तूफान सिंह को गिरफ्तार किया। फिर क्या था, तूफान सिंह की गिरफ्तारी पर अमृतपाल सिंह भड़क गया और पंजाब पुलिस को सीधे चेतावनी दे दी और कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो तूफान सिंह को साथ लेकर ही जाएंगे। अमृतपाल ने यह भी कहा कि अगर मरने की बारी आई तो आगे आऊंगा, सिर देने से नहीं डरता। इस धमकी का असर देखिए कि बातचीत के बाद अमृतसर के पुलिस कमिश्नर ने मान लिया कि जिस तूफान सिंह को गिरफ्तार किया गया था उसके निर्दोष होने के पुख्ता सबूत मिल गए और उसे छोड़ दिया जाएगा। इन्होंने एक FIR हुई, उसके एवज में ये लोग इधर आए, दे हैव गिवन सम प्रूफ्स आल्सो, सो अब इनसे बातचीत हुई है एंड एसेट इज फॉर्म्ड एंड द पर्सन हु वाज अरेस्टेड, दे हैव गिवन इनफ प्रूफ्स दैट ही इज इनोसेंट, सो द सिट इज टेकिंग द कॉग्निजेंस ऑफ दैट थिंग एंड अल्टीमेटली जो ये लोग अब पीसफुली डिस्पर्स हो जाएंगे एंड लॉ विल टेक इट्स ऑन कोर्स। बता दें कि खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह अलग सिख राज्य की मांग करता है और उसको लेकर भड़कीले बयान भी देता है। जर्नैल सिंह भिंडरांवाले की तरह पोशाक पहनने वाला अमृतपाल सिंह पिछले कुछ सालों से सिखों से जुड़े मुद्दों पर बयान देता रहा है। इसके अलावा उसने
पंजाब के गांवों में जाकर आजादी और सिख धर्म से जुड़ी बातों पर लोगों से बातें करता है। आरोप है कि वो लोगों को खालिस्तान के नाम पर भड़का रहा है। अमृतपाल सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह को भी धमकी दी है।